हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में, जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लानेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, वो खेल कूद पर आधारित है। आज का वीडियो बहुत लंबा चलने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है खेल कूद से संबंधित। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है आइस हॉकी, रग्बी फुटबॉल, बेसबॉल या फिर बुल फाइटिंग। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। और अगर बात की जाए रग्बी फुटबॉल की, तो रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। और बेसबॉल की बात की जाए तो ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। और अगर बुल फाइटिंग की बात की जाए तो ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है वॉलीबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल या फिर कॉर्फबॉल। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा बेसबॉल। बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर शतरंज। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबको पता होगा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन है स्पेन, कनाडा, स्कॉटलैंड या फिर जापान। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहते हैं? अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किस खेल को कहते हैं? ऑप्शन है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल या फिर हैंडबॉल। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। बेसबॉल को अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी कहते हैं और अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल भी कहते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रारंभ किसने किया? अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पोलो खेल का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन है यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या फिर पुर्तगालियों ने। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा तुर्कों ने। भारत में सबसे पहले पोलो खेल का प्रारंभ तुर्कों ने किया था। अगर बात की जाए भारत में सबसे पहले पोलो खेल का प्रचलन किस राज्य में हुआ, तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई? क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई? ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर वेस्ट इंडीज। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा इंग्लैंड। क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, इसीलिए इंग्लैंड को क्रिकेट का पितामह, जनक या फिर जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म क्या है? खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म क्या है? स्क्वैश भारत, बिलियर्ड्स इंग्लैंड, पोलो भारत, लॉन टेनिस ऑस्ट्रेलिया। सही युग्म यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा पोलो भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? ऑप्शन है भारत, चीन, जापान या फिर रूस। क्या हो जाएगा
इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो भी हो जाएगा भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कबड्डी खेल का जो उद्भव है वो भारत में माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है आइस हॉकी, रग्बी फुटबॉल, फुटबॉल या फिर बेसबॉल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल जो है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला प्रश्न है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? दादा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, केडी सिंह या फिर ऊधम सिंह। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनकी एक आत्मकथा है, कभी कभी पूछा जाता है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है, तो उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है गोल। ठीक है, अगला प्रश्न है, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल नाम से कौन विख्यात है? फुटबॉल में ब्लैक पर्ल नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन है डिएगो मैराडोना, एडी नासिमेंटो, लोथार मथाउस या फिर रूड गुलिट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडी नासिमेंटो, जिनको उपनाम पेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से कौन भारतीय एथलीट विख्यात है? गोल्डन गर्ल यानी सुनहरी लड़की एवं उड़न परी के नाम से कौन भारतीय एथलीट विख्यात है? ऑप्शन है पीटी उषा, शाइनी अब्राहम, के एम बीनामोल, सुनीता रानी। क्या हो जाएगा? सबको पता होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीटी उषा को गोल्डन गर्ल या फिर उड़न परी के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा कहाँ की हैं? भारत की हैं और केरल राज्य की एथलीट हैं। ठीक है, और इनका एक उपनाम है पयोली एक्सप्रेस, इनको पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? अगला प्रश्न है हमारा, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है बहादुर सिंह, मिल्खा सिंह, सुरजीत सिंह या फिर चिरंजीव मिल्खा सिंह। क्या हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा, इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, भाग मिल्खा भाग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? ऑप्शन है मोहम्मद समी, वकार यूनुस, वसीम अकरम या फिर शोएब अख्तर। क्या हो जाएगा? जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर कौन है? सबको पता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भूतपूर्व तेज गेंदबाज थे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्रिकेट में हॉलीवुड के नाम से किसे जाना जाता है? क्रिकेट में हॉलीवुड के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है जैक कॉलिस, लांस क्लूजनर, शेन वार्न या फिर वसीम अकरम। क्या हो जाएगा? जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेन वार्न। शेन वार्न कौन है? ऑस्ट्रेलिया के जाने माने स्पिनर गेंदबाज शेन वार्न को क्रिकेट में हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को किस उपनाम से जानते हैं? मिस्टर रिलायबल, दि वॉल, मास्टर ब्लास्टर या फिर जंबो। क्या हो जाएगा? जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द वॉल। क्यों जाना जाता है द वॉल के नाम से? राहुल द्रविड़ जब क्रीज पर खड़े होते थे तो अच्छे से अच्छा गेंदबाज हो उसके लिए राहुल द्रविड़ को आउट करना काफ़ी मुश्किल भरा होता था, इसीलिए क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को देवाल नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है?
पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सर्गेई बुबका, एम्मा जॉर्ज, ग्रिगोरी येगोरोव या फिर रियान बोथा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्गेई बुबका। अब सर्गेई बुबका कहाँ के हैं और कौन है इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सर्गेई बुबका की जो राष्ट्रीयता है वो यूक्रेन है, यूक्रेन के निवासी हैं और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। बुबका लगातार 6 बार IAAF विश्व चैंपियन भी रहे हैं। IAAF का मतलब है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, विलियम्स बहनों को किस खेल के लिए जाना जाता है? विलियम्स बहनों को किस खेल के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस या फिर फुटबॉल। क्या हो जाएगा? जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सबको पता है विलियम्स बहनों के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मारिया शारापोवा किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? स्पेन, बेल्जियम, रूस या फिर USA। क्या हो जाएगा? मारिया शारापोवा काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शतरंज खिलाड़ी है? ऑप्शन है गाटा कामस्की, व्लादिमीर क्रेमनिक, अनातोली कारपो या फिर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, गाटा कामस्की, व्लादिमीर क्रेमनिक, अनातोली कारपो, ये सब शतरंज के ही खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, किम क्लिस्टर्स का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन या फिर रूस। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बेल्जियम, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। किम क्लिस्टर्स का संबंध बेल्जियम देश से है। अगला जो प्रश्न है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन है डायमंड, ग्रीन्स, वेलोड्रम या फिर रिंक। क्या कहलाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साइकिलिंग का जो खेल परिसर होता है उसको वेलोड्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन है एरिना, ग्रेन्स, वेलोड्रम या फिर डायमंड। क्या हो जाएगा? जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिना। घुड़सवारी का जो खेल परिसर होता है जहाँ पे घुड़सवारी की जाती है उसको एरिना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल का परिसर कोर्स कहलाता है? ऑप्शन है पोलो, गोल्फ, आइस हॉकी या फिर रग्बी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ, ठीक है। गोल्फ का जो खेल परिसर होता है उसको कोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है बेसबॉल, डायमंड, साइकिलिंग, एरिना, गोल्फ कोर्स, एथलेटिक्स ट्रैक। यहाँ पे एक तरफ खेल का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ खेल परिसर का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बेसबॉल को का जो खेल परिसर है वो डायमंड कहलाता है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे साइकिलिंग, एरिना ये सुमेलित नहीं है। बेसबॉल का जो खेल परिसर है उसको डायमंड कहते हैं, लेकिन साइकिलिंग का जो खेल परिसर है उसको वेलोड्रम कहते हैं, एरिना नहीं कहते हैं। एरिना किसका खेल परिसर है? घुड़सवारी का। और गोल्फ कोर्स है, एथलेटिक्स ट्रैक, ये भी सही है। तो ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, साइकिलिंग एरिना, जो कि सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न है, सही तरह से सुमेलित है। ऑप्शन है आइस हॉकी डायमंड, बेसबॉल एरिना, निशानेबाजी रेंज, मुक्केबाजी कोर्स। यहाँ पे इस प्रश्न में भी एक तरफ खेल का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ खेल परिसर का नाम। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो कौन सा युग्म सुमेलित है, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी रेंज। निशानेबाजी रेंज ही एक ऐसा युग्म है जो इस प्रश्न में सुमेलित है। और बाकी अगर बात करें जैसे आइस हॉकी की बात करें, तो आइस हॉकी का जो खेल परिसर होता है वो होता है रिंक। और जो डायमंड है, डायमंड किसका खेल परिसर है, वो है बेसबॉल का। और एरिना किसका खेल परिसर है, वो है घुड़सवारी का। निशानेबाजी और रेंज तो सुमेलित ही है। और मुक्केबाजी का जो खेल परिसर होता है वो होता है रिंग। और कोर्स किसका खेल परिसर है, वो है गोल्फ का। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, निशानेबाजी रेंज, यही एक तरह से सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, ऑप्शन है 22 मीटर, 20.12 मीटर, 20 गज या फिर 20.12 गज, क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20.12 मीटर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में स्टंप्स की भूमि से ऊंचाई कितनी होती है। क्रिकेट में स्टंप्स की भूमि से ऊंचाई कितनी होती है, ऑप्शन है 22 इंच, 25 इंच, 27 इंच या फिर 30 इंच, क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 इंच, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, ऑप्शन है 22 मील 385 गज, 24 मील 385 गज, 26 मील 385 गज या फिर 26 मील 585 गज, क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 26 मील 385 गज, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है 26 मील 385 गज होती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, थारपीडो के नाम से कौन जाना जाता है। थारपीडो के नाम से कौन जाना जाता है, ऑप्शन है आपके ग्राहम थोरपे, इयान थोरपे, अलेक्जेंडर पोपो या फिर जॉन पार्किस, क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इयान थोरपे। ठीक है, थारपीडो के नाम से कौन जाना जाता है, इयान थोरपे। और किस खेल के खिलाड़ी हैं ये, इयान थोरपे तैराकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखिएगा इयान थोरपे तैराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, शोएब अख्तर को, पेस एवं भूपति को, जवागल श्रीनाथ को या फिर जहीर खान को, किसको कहा जाता है। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेस एवं भूपति को। पेस एवं भूपति को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन है 4, 6, 7 या फिर 9, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4। पोलो में प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 4, और अगर दोनों पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाए तो वहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 9, क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। एक पक्ष के जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 9, और अगर पूछा जाए कि दोनों पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या जोड़कर कितनी होती है, तो 9 और 9, 18 मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है।
बास्केटबॉल यहाँ पूछ रहा है, बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 4। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 यानी 5। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगा। एक पक्ष में 5 खिलाड़ी और दोनों पक्षों में 10 खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक तरफ 7 और दोनों पक्षों को जोड़ा जाए तो 14 खिलाड़ी माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट सिटी स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाइट सिटी स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाइक रेस, कार रेस, कुत्तों की रेस या फिर घोड़ों की रेस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुत्तों की रेस। व्हाइट सिटी स्टेडियम जो कि कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। ये भी पूछा जाता है कि व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा व्हाइट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? कुत्तों की रेस के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कोपा कप, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? कोपा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या फिर बिलियर्ड्स। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा फुटबॉल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? ऑप्शन है फिडे, फीफा, ICC या फिर IHF। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा IHF हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें फीडे की तो फीडे जो है शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और फीफा की बात करें तो फीफा फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और वहीं पर ICC की बात करें तो ICC क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कही जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1951, 1957, 1961 या फिर 1964। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1961। यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1961 में। ठीक है, खेलों में जो है खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, और अगर पुरस्कार राशि की बात करें तो 5 लाख इसकी पुरस्कार राशि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1961, 1965, 1985 या फिर 1987। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 1985 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और अगर बात करें पुरस्कार राशि की तो यहाँ पर भी अर्जुन पुरस्कार की ही तरह 5 लाख की पुरस्कार जो राशि होती है वो प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों के लिए भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? खिलाड़ियों के लिए भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर पद्मश्री पुरस्कार। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। किसके द्वारा दिया जाता है? ये KK बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लंबी कूद से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध लंबी कूद से है? ऑप्शन है सानिया मिर्जा, गीत सेठी, अंजू बॉबी जॉर्ज, तानिया सचदेव। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, और अगर सानिया मिर्जा की बात करें तो सानिया मिर्जा लॉन टेनिस की खिलाड़ी हैं,
और गीत सेठी की बात करें तो गीत सेठी बिलियर्ड्स की खिलाड़ी हैं, और तानिया सचदेव की अगर बात की जाए तो ये शतरंज की खिलाड़ी मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है माउंटेनियरिंग से संबंधित है। माउंटेनियरिंग से संबंधित हैं कौन? बछेंद्री पाल, तेंजिंग नोर्गे, संतोष यादव या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बछेंद्री पाल, तेंजिंग नोर्गे और संतोष यादव तीनों जो है माउंटेनियरिंग से ही संबंधित हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो उपरोक्त सभी है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? 1877 में, 1932 में, 1933 में या फिर 1951 में। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1933 में। जो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी वो 1933 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बारबोरा स्पोटाकोवा, जेवलिन थ्रो, पामेला जेलिमो, भारोत्तोलन, सानिया रिचर्ड्स स्प्रिंट, येलेना एसिनबायेवा पोल वॉल्ट। इसमें से आपको सुमेलित जो नहीं है उसको आपको चूज करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पामेला जेलिमो भारोत्तोलन। क्योंकि दोस्तों पामेला जेलिमो जो है वो उनका संबंध भारोत्तोलन से नहीं है, क्योंकि पामेला जेलिमो एक धावक हैं, एक एथलीट हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत है? ऑप्शन है रामानुजन कप टेबल टेनिस, रंगास्वामी कप वॉलीबॉल, राइडर कप गोल्फ, वेस्ट चेस्टर कप पोलो। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? जो सही उत्तर होगा सोच के बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रंगास्वामी कप वॉलीबॉल। ये सुमेलित नहीं है, ये जोड़ा गलत है। क्यों? क्योंकि रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी से संबंधित है, वॉलीबॉल से नहीं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व सुमन बाला ने किया है? निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व सुमन बाला ने किया है? ऑप्शन है शतरंज, महिला हॉकी, शॉट पुट या फिर महिला क्रिकेट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महिला हॉकी। नेक्स्ट है एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता कौन है? एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता कौन है? ऑप्शन है पीटी उषा, मिल्खा सिंह, बंधु सिंह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका? जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंधु सिंह। एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता जो था वो थे बंधु सिंह। अगला प्रश्न है नोवाक जोकोविच किस खेल के खिलाड़ी हैं? नोवाक जोकोविच किस खेल के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, शतरंज या फिर लॉन टेनिस। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस नोवाक जोकोविच जो हैं एक सर्बियन टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है हाथी मैराथन किस शहर में आयोजित होता है? हाथी मैराथन किस शहर में आयोजित होता है? ऑप्शन है त्रिचूर, कोहिमा, गंगटोक या फिर मंगलूर। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिचूर। त्रिचूर कहाँ पे है? त्रिचूर केरल में है। और जो हाथी मैराथन है उसकी दूरी यानी लंबाई लगभग होती है 45 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है विक्टोरिया अजारेंका क्या है? विक्टोरिया अजारेंका क्या है? एक अभिनेत्री हैं, एक लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं या फिर एक लेखिका हैं। क्या हो जाएगा
यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉन टेनिस खिलाड़ी। विक्टोरिया अजारेंका एक लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, माय बेस्ट गेम ऑफ चेस, माय बेस्ट गेम ऑफ चेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, गैरी कास्पारोव, अनातोली कार्पो या फिर बॉबी फिशर। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माय बेस्ट गेम ऑफ चेस के लेखक विश्वनाथन आनंद हैं। अगला प्रश्न है, आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कपिल देव, सुनील गावस्कर, अजीत वाडेकर या फिर फारूक इंजीनियर। कौन है आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनील गावस्कर। एक और पुस्तक है सुनील गावस्कर की जो अक्सर पूछी जाती है, उसका नाम है सनी डेज। सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक भी सुनील गावस्कर ही हैं। अगला प्रश्न है, हाउ आई प्ले गोल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है टाइगर वुड्स, एलन डोनाल्ड, रोलैंड पेरी या फिर पीटी उषा। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाइगर वुड्स। ठीक है, एलन डोनाल्ड, इनकी जो पुस्तक है एलन डोनाल्ड की अगर बात करें तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है वाइट लाइटनिंग, और रोलैंड पेरी की जो बात करें तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है ब्रैडमैन बेस्ट, और पीटी उषा की एक आत्मकथा है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है, तो उसका नाम है गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला पर्वतारोही कौन था? माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला पर्वतारोही कौन था? ऑप्शन है तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा? उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। दोस्तों सबसे पहले सफलता की बात करें तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतह करने में जो सफलता मिली थी वो कब मिली थी क्या आपको पता है? सबसे पहले सफलता मिली थी 1953 में। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इस पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही महिला का नाम जुनको ताबई है। ठीक है, जुनको ताबई, और प्रथम महिला पर्वतारोही, प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही की बात करें तो बछेंद्री पाल का नाम शामिल किया जाता है। बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भारतीय फू दोर्जी था, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला डिक्की डोलमा है। डिक्की डोलमा दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है वो है संतोष यादव। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहे हैं तो आप इसको ध्यान से देखिए, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है गोल्फ, स्नूकर, बिलियर्ड्स या फिर क्रिकेट। क्या हो जाएगा पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्नूकर। पंकज आडवाणी का संबंध स्नूकर से है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जेनेवा, लॉजेन, बर्न या फिर ओस्लो। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉजेन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय जो है वो लॉजेन में है, और लॉजेन कहाँ है वो स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था की स्थापना किसने की थी इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तो स्थापना किसने की थी? पियरे डे ने इसकी जो है स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, डेविड बेकहम किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं? डेविड बेकहम किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर टेनिस। क्या हो जाएगा डेविड बेकहम एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, ग्वालियर, पटियाला या फिर कोलकाता। सही उत्तर हो जाएगा पटियाला। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? पटियाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, नई दिल्ली, पटियाला या फिर कोलकाता। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटियाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पे है? पटियाला में है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का ऑस्कर किसको कहा जाता है? क्रिकेट का ऑस्कर किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आईसीसी पुरस्कार, विजडन पुरस्कार, सीएट पुरस्कार या फिर सीके नायडू पुरस्कार। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्रिकेट का ऑस्कर किसको कहा जाता है? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईसीसी पुरस्कार। कब से इसकी शुरुआत हुई? 7 सितंबर 2004 से आईसीसी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? ऑप्शन है बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खा कप, ओबे अब्दुल्ला गोल्ड कप। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेटन कप। ठीक है दोस्तों, बेटन कप वर्तमान में प्रचलित सबसे पुराने फील्ड हॉकी टूर्नामेंट में से एक है। इस ट्रॉफी की स्थापना 1895 में की गई थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन बंगाल हॉकी एसोसिएशन द्वारा एस्ट्रोटर्फ कृत्रिम घास पर स्पोर्ट ऑफ इंडिया कोलकाता में किया जाता है। इस प्रतियोगिता का नामकरण ब्रिटिश भारत में बंगाल सरकार के विधि अनुस्मारक टीडी बेटन के नाम पर किया गया था। अगला प्रश्न है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। ऑप्शन है डेविस कप, डूरंड कप, थॉमस कप या फिर उबेर कप। क्या हो जाएगा पुरुषों की जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है वो है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस कप। आगे चलिए, गुगली किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर गोल्फ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो क्रिकेट देखते होंगे सबको पता होगा कि गुगली एक स्पिनर द्वारा एक गेंदबाजी का वेरिएंट होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, क्यू किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेसबॉल या फिर बिलियर्ड्स। क्या हो जाएगा क्यू जो है किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिलियर्ड्स। क्यू बिलियर्ड्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है बास्केटबॉल, टेनिस, तैराकी या फिर वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा? ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है तैराकी से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिली पॉइंट जो होता है वो क्रिकेट से संबंधित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में क्रिकेट का मक्का किसको कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व में क्रिकेट का मक्का किसको कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड्स, लीड्स, ओवल या फिर ईडन गार्डन्स। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, लॉर्ड्स को विश्व में क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। दोस्तों, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन के सेंट जॉन्स वुड में स्थित क्रिकेट ग्राउंड है। इसका नामकरण इसके संस्थापक थॉमस लॉर्ड के नाम पर किया गया है। लॉर्ड्स को
क्रिकेट का घर भी कहा जाता है और यहाँ दुनिया का सबसे पुराना खेल संग्रहालय भी स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मैडिसन स्क्वायर, व्हाइट सिटी, केंटकी या फिर इप्सन। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैडिसन स्क्वायर। अगला प्रश्न है, चेस बोर्ड पर कुल कितने घर या खाने बने होते हैं? चेस बोर्ड पर कुल कितने घर या खाने बने होते हैं? ऑप्शन है 32, 48, 64 या फिर 56। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, चेस बोर्ड आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो खाने होते हैं वो इस तरह से होते हैं और इस तरह से होते हैं, 8 इस तरह से होते हैं और 8 इस तरह से होते हैं। तो 8×8 अगर करेंगे तो जो संख्या आएगी वो आएगी 64। तो चेस बोर्ड पर कुल कितने खाने होते हैं? 64। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है? निम्नलिखित में से किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो या फिर बेसबॉल। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पोलो। पोलो का जो मैदान होता है वो सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है कौन सा है? ऑप्शन है रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप या फिर IFS शील्ड। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डूरंड कप। डूरंड कप भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न है, ब्लैक हीथ स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर रूस। क्या हो जाएगा? ब्लैक हीथ स्टेडियम जो स्थित है वो है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कहाँ पे? लंदन में। और किसके लिए फेमस है, क्या खेला जाता है यहाँ पे? यहाँ पे ब्लैक हीथ स्टेडियम में रग्बी फुटबॉल खेला जाता है, रग्बी फुटबॉल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इप्सम स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है? इप्सम स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है क्रिकेट, डर्बी घुड़दौड़, फुटबॉल या फिर हॉकी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डर्बी घुड़दौड़। किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयोग नहीं होता है? किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर लॉन टेनिस। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉन टेनिस। हैट्रिक शब्द क्रिकेट में भी यूज होता है, हॉकी में भी यूज होता है और फुटबॉल में भी यूज होता है। अगला प्रश्न है, कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, ब्रिज, पोलो या फिर निशानेबाजी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? ऑप्शन है 8 गज, 10 गज, 11 गज या फिर 12 गज। क्या हो जाएगा? जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 गज, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया? भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया? ऑप्शन है 1924 में, 1912 में, 1928 में या फिर 1952 में। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 1928 में। 1928 में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है पियरे डी कुबर्टिन, अर्नेस्ट कर्टियस, जुआन एंटोनियो समारांच या फिर गारफील्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पियरे डी कुबर्टिन। अगला प्रश्न है, सोमा विश्वास जिस खेल की खिलाड़ी हैं वह कौन सा खेल है? सोमा विश्वास जिस खेल की खिलाड़ी हैं वो कौन सा खेल है? ऑप्शन है नौका चालन, हॉकी, गोल्फ या फिर एथलेटिक्स। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोमा विश्वास एक एथलेटिक्स हैं। अगला प्रश्न है, डेनिस द मिनोज उपनाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है? डेनिस द मिनोज उपनाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है? ऑप्शन है आंद्रे अगासी, जिम कुरियर, पीट संप्रास या फिर जॉन मैकनेरो। जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंद्रे अगासी। दोस्तों आंद्रे अगासी एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, भूतपूर्व नंबर एक खिलाड़ी रहे। आंद्रे ने कुल 8 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी हासिल किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।